अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट देने जा रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी JKPSC की तरफ से। कुछ वैकेंसीज आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर पोस्ट्स की, तो चलिए हम इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छे हैं, ये पोस्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बिकॉज पे स्केल भी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो चलिए हम डेटस वगैरह के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम पे स्केल की बात करें, 9,300, 34,800 AGP रुपीज, 5,400। तो लेक्चरर की पोस्ट है जो स्टार्टिंग डेट है 21/8/2018 से, यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 29/2018, यानी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डेट इन्होंने सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी के लिए रखा है वो भी सेम है 29/2018। तो अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज निकाले हैं। मैथमेटिक्स की SC के लिए 1, ST के लिए 3, जो टोटल 4 वैकेंसीज बन जाती है। उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें, SC के लिए 5, ST के लिए 6, टोटल 11 वैकेंसीज है। उसके बाद अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, RBA के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल 2 वैकेंसीज है। उसके बाद अरबिक आता है, ठीक है, अरबिक की SC के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी, ठीक है, SC के लिए 1 है, टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस की ST के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये टोटल 20 वैकेंसीज है। तो अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, लेक्चरर 10+2 मैथ, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, अरबिक एंड साइकोलॉजी, ठीक है, इसके लिए इन्होंने मास्टर्स डिग्री रखी है, मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। किसी के पास मैथ में होगी, ठीक है, मास्टर्स डिग्री, किसी के पास फिजिक्स, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी, अरबिक सेम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कैंडिडेट ने MCA, ठीक है, कैंडिडेट MCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2-1 बी लेवल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वालिफिकेशन के बारे में। अब अगर हम एज की बात करें, एज इन्होंने मिनिमम 18 इयर्स रखी है, ठीक है, मैक्सिमम 40 इयर्स। अगर कोई फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट होगा तो उसके लिए इन्होंने 42 इयर्स रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं RBA, SC, ST, LC, SLC, ठीक है, कैटेगरीज, या एक सर्विसमैन, तो इस उसके लिए इन्होंने इनके लिए इन्होंने 48 इयर्स रखे हैं। तो मजीद अगर आप जानना चाहते हो, यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो फी इन्होंने एग्जामिनेशन फी रखा है, ठीक है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी में। तो मजीद अगर आप जानना चाहते हो इन वैकेंसीज के बारे में, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसे इजिली से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ कमेंट्स भी आ जाना, जो सबसे पहली कमेंट होगी इस वीडियो पे वो मेरी होगी, उस कमेंट के थ्रू भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स, ये थी जॉब अपडेट, काफी अच्छी अच्छे पोस्ट है, ठीक है। और एंड में आपको ईद मुबारक देना चाहूंगा, बिकॉज कल ईद है, तो एडवांस में ही आपको ईद मुबारक देना चाहूंगा। तो ओके, थैंक्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।